बीजेपी के इकलौते एमएलए टी राजा सिंह आए फिर से सुर्खियों में, मगर इस बार कोरोना वायरस के चलते इंसानियत को दी इन्होंने तरजीह। मस्जिद जाकर मुसलमानों में खाने के पैकेट तकसीम किए और दूसरे अरकान असेंबली के लिए छोड़ा एक पयाम। जी हां, हमेशा से जहरफशानी तकारीरें करने और फिर अपने वोट बैंक की खातिर मुसलमानों को बुरा भला कहने और फिर इस्लाम पर रैकिक अल्फाज के जरिए हमले करने वाले भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता गोशा महल के इकलौते एमएलए टी राजा सिंह अब इंसानियत के काम अंजाम देते हुए सबकी नज़र में आ गए, जिसकी वजह से वो फिर से एक मरतबे सुर्खियों में भी छा गए और इस बार तो सभी लोगों की जुबान पर इनके अच्छे इकदाम की तरफ से चर्चे भी चल रहे हैं। क्योंकि मौजूदा दौर में कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन के चलते तमाम मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद भूख और प्यास की शिद्दत के साथ तड़प रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में टी राजा सिंह ने 4 अप्रैल यानी हफ्ते के दिन अपने हल्के असम्बली गोशा महल के इलाके मंगलहाट में मौजूदा एक मस्जिद को अचानक पहुंच गए और फिर वहां मौजूदा इमाम साहब और मौजन साहब के अलावा 2-3 मुसल्लियों से कुछ लम्हात की मुलाकात करके इनके हालचाल पूछा और फिर इनमें खाने के पैकेट तकसीम करके और भी दूसरे परेशान हाल अफराद की निशानदेही करने की इनसे अपील करते हुए यहां से रवाना हो गए। टी राजा सिंह के इस अमल को मुख्तलिफ गोशों से सराहा भी जा रहा है और हम भी इस मौके पर इनके जज्बे इंसानियत को रेस्पेक्ट करते हुए इनसे उम्मीद भी करते हैं कि वो आम दिनों में भी इसी तरह से अपनी भाईचारगी के अमल को जारी रखते हुए नफरत और मजहब के नाम पर वोट लेना बंद कर देंगे। वो इसलिए कि यह शहर हैदराबाद शुरू से ही हिंदू मुस्लिम भाईचारगी की मिसाल पेश करने में महारत रखता है। इसलिए गोशा महल के एमएलए टी राजा सिंह को चाहिए कि मुस्तकबिल में भी वो इसी तरह के अमल को जारी रखें, जिनके इस अमल से फिरका परस्त अफराद तक भी एक मैसेज पहुँच सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और फिर बीजेपी से वाबस्ता दूसरे एमएलए और दूसरे एमपी ने भी टी राजा सिंह की तरह अब तक कोई ऐसा अमल भी नहीं किया। इतना ही नहीं, टी राजा सिंह ने अपने इस अमल से रियासत तेलंगाना और शहर हैदराबाद से वाबस्ता सभी एमएलए के लिए भी एक पयाम छोड़ दिया और अगर सभी एमएलए भी टी राजा सिंह की तरह अमल करना शुरू कर देंगे तो यकीनन कोई एक शख्स भी भूखा नहीं रह सकता। जिस पर आप सबकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर जवाब दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट siyasat.com। सावधानी बरत रहे हैं, थोड़ा सावधानी बरतो क्योंकि बहुत ही बढ़ते जा रहा है अपने तेलंगाना में। भोजन हुए अभी कितने लोग रह रहे आपके पास? नहीं, और भी जैसे ये मगरा है ना, वहाँ पर भी कुछ बाहर के लोग हैं जिनको खाने का प्रॉब्लम हो रहा है, बोला मालूम है। आपके आप एक छोटा सा लिस्ट बना लो भैया, आप जितने लोगों का हमारे को भेज देंगे ना उतने लोगों को हम भोजन सप्लाई कर देंगे। उतने लोग अगर अपने एरिया में कोई भी व्यक्ति को कुछ भी प्रॉब्लम आया प्लीज आप मुझे बताना, इसको भी प्रॉब्लम आया तो मुझे बताना, क्योंकि अभी क्या बहुत माहौल खराब है और किसको भी खाने का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए अपन क्या अपने घर के पास की भोजन बनवा रहे जितना हो सके अपने एरिया में। हाँ खा रहे ना, आज थोड़ा स्पेशल बनाए हम लोग थोड़ा उधर भी अपने और भी एक 2-3 मस्जिदें हैं वहाँ पर भी अगर अपने कोई लोग रह रहे तो मुझे बताओ, आप एक लिस्ट ले लो थोड़ा सा और आप जितना लिस्ट देंगे ना उनके एक एक कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, उनको फोन करके उनके घर तक खाना पहुँचा देंगे। ठीक है, और भी कुछ है तो बता दीजिए।